Hi guys, welcome back to my channel Triple P Corner. Hope you are doing well. तो guys, आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि जो भी आपका टम्मी फैट होता है ना, वो आप साड़ी में कैसे चीज़ें छिपा सकें, मतलब उसे कैसे हाइड कर सकें. तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनका टम्मी थोड़ा सा फैटी है, या फिर स्टेज मार्क है उनके ऊपर, या फिर आप बेबी बम्प है, तो आपके लिए ये वीडियो होने वाला है. तो मेक श्योर मुझे थोड़ा सा इनका नॉलेज है, इसलिए क्योंकि मेरा टम्मी थोड़ा सा हाइड होता है, नहीं होता है, मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा सा बढ़ गया है, टमी फैट आ गया है आप कह सकते हैं उसे, तो इस तरह से है. तो ये टिप्स ना मैं यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ. तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखना, और उसके साथ साथ अगर आपको ये वाला लुक पसंद आता है तो ये इसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके साथ आपको यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगा. और ये वाला लुक बेसिकली है न्यूली ब्राइड्स के लिए. और आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ आपने किया हुआ है तो थैंक यू सो मच. तो मुड़ते हमारे वीडियो की तरफ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आपके टम्मी का फैट थोड़ा सा बड़ा हुआ है, मतलब मिलना तो थोड़ा सा ही है, लेकिन अगर आपका ज़्यादा है, या फिर आपके टम्मी के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स होते हैं ना, डिलीवरी मार्क्स होते हैं वो है, या फिर अगर आपका बेबी बम्प है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है. तो बेसिकली ना इस वीडियो में आपको मैं शेयर करने वाली हूँ कि टम्मी फैट को आप कैसे छुपा सकते हैं, उसे कैसे हाइड कर सकते हैं, और आप फ्रीली घूम सकते हैं, क्लासी लग सकते हैं, एलिगेंट लग सकते हैं, फैशनेबल अट्रैक्टिव लग सकते हैं. तो बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ टिप्स को लेकर. आप साड़ी पहन रहे हो और आपको टमी फैट छुपाना है, तो आप बेसिकली एक सिंपल टिप आपको बताने वाली हूँ, वो है आप जो भी साड़ी वेयर कर रहे हो ना, वो फुली हुई ना ले. जो भी फुली हुई साड़ियाँ आप पहनते हो, या फिर आप कॉटन की साड़ियाँ होती है ना, ज़्यादा फुलती है ना, वो वाली साड़ियाँ ना ले. तो आपको जो भी आपके जो भी बदन होता है ना, उसके चिपकने वाली, या फिर बॉडी हगिंग जो साड़ियाँ आपकी होती है ना, जो भी कपड़ा होता है साड़ी का, फैब्रिक होता है ना साड़ी का, वो वाला साड़ी आप प्रीफर करें. उससे ना आपकी ना जो भी साड़ी होती है ना, वो आपको ना बहुत अच्छे से आएगी, और उसके साथ साथ आपका ना और ज़्यादा जो टमी है ना, वो और विजिबल नहीं होगा. तो आप बॉडी हगिंग जो साड़ियाँ होती है ना, उन्हें प्रेफर करें. साड़ी के साथ आप जो भी ब्लाउज वेयर कर रहे हो ना, उसका जो लेंथ होता है थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, मतलब आप जो ब्रेस्ट होती है ना, उसे थोड़ा सा बढ़ा ले सकते हैं आप. मतलब जो ब्रेस्ट को बराबर आता है ना, उतना नहीं कर, मतलब जो भी ब्लाउज आप सिलाया स्टिच करते हैं ना, वो उतना ही ना ले, तो थोड़ा सा लेंथ उसका बढ़ा ले. उससे क्या होता है, थोड़ा सा आपका टम्मी जो होता है ना, टम्मी के पास ले, मतलब टम्मी से भी ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा टम्मी के पास ले, तो उससे क्या होता है, टम्मी आपका हाइड होता है, और आपका टम्मी होता है ना, वो थोड़ा इतना विजिबल नहीं होता है जितना रेगुलर वेज में होता है, रेगुलर जो भी आप ब्लाउज पहनते हैं ना, उतने में होता है. साड़ी का जो भी पल्लू होता है, वो आपको प्लीट्स नहीं उसकी बनानी होती है. प्लीट्स आप बनाओगे तो आपका जो भी टम्मी होगा ना, वो हाईलाइट होगा. उससे अच्छा कि आप जो भी साड़ी का पल्लू है वो ओपन पल्लू रख के, उससे आपका टमी भी हाइड हो जाएगा और आपको मस्त एक लुक भी अच्छा आ जाएगा. तो मेक श्योर आप जो पल्लू होता है ना, वो ओपन पल्लू ही लें. साड़ी के साथ आप जो भी पल्लू लेते हैं ना, वो आप सीधा पल्ला भी ले सकते हैं, मतलब जो गुजराती स्टाइल पल्लू होता है ना, वो भी आप ले सकते हैं. उससे मैं ना आपके आराम से, आपका टमी जो होता है ना, वो आराम से हाइड हो जाता है. तो मतलब गुजराती लोग होते हैं ना, उनका टमी भी अगर आ जाए ना, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उनका जो भी टमी होता है वो दिखता भी नहीं है. अगर आप अपने पल्लू को पिनअप भी करना चाहते हैं, आपको मस्टी है, आपको नहीं, आपको ओपन पल्लू नहीं पसंद है, आपको पिनअप भी करना पसंद है, तो मेक श्योर आप जो पिनअप कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे अपना जो पल्लू है ना, वो चौड़ा निकाले. तो उससे क्या होगा ना, कि आपका जो भी पिनअप करते वक्त आपका जो भी पल्लू होगा ना, तो चौड़ा होगा, तो आपका टमी होना थोड़ा सा विजिबल होगा, और थोड़ा सा वो हाइड करने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, और वो ना हाईलाइट भी नहीं होगा. साड़ी पे आप पेपलम टॉप भी वेयर कर सकते हो, मतलब पेपलम टॉप जो होता है ना, यहाँ पे मैं इसकी इमेज डाल दूँगी आपके लिए. तो वो ना नीचे की यहाँ पे ना फ्रिल होते हैं उनका, तो वो ना स्टाइलिश लुक भी देता है, अट्रैक्टिव भी दिखता है, तो कुछ स्टाइलिश वेयर किया ये फीलिंग भी आती है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो.
साड़ी पहनते वक्त आपको ब्लाउज नहीं वेयर करना है तो मेक श्योर आप उसके अलावा आपको ना कुर्ती होती है ना वो एज ए ब्लाउज या फिर कुर्ती के ऊपर आप साड़ी भी पहन सकते हो। अगर आपको चाहिए होगा उसके ऊपर वीडियो तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो वो भी बहुत अच्छा दिखता है। आपको यहाँ पर मैं इमेज डाल दूंगी तो आपको समझ में आएगा प्रॉपर। वो समर में भी ना बहुत एलिगेंट दिखता है, अट्रैक्टिव भी दिखता है और समर के लिए वो बेस्ट ही है। अगर आप साड़ी के ऊपर जैकेट पहन रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा दिखता है, उसमें आपको टमी जो होता है ना वो भी विजिबल नहीं होता है, क्योंकि आप जैकेट पहनते हो श्रग होता है वो लॉन्ग होता है या शॉर्ट होता है, आप किसी भी तरह के पहन सकते हो, उसमें आपका टमी होता है ना वो हाईलाइट नहीं होता है। अगर आपका टमी हाईलाइट ना हो, टमी ना दिखे, तो आपको क्या करना होता है, आप जो भी साड़ी पहन लेते हो ना तो आपका जो पेटीकोट होता है वो नाभि के ऊपर बांधे, ज़्यादा ऊपर नहीं है और ज़्यादा नीचे भी नहीं, बस नाभि जो बेली होती है ना वहाँ पे बांधे उसे, और वहाँ पे आपको जो प्लीट्स होते हैं ना वो टक इन करे, तो टमी के ऊपर प्लीट्स टक इन करने से आपका टमी होता है वो ज़्यादा विजिबल नहीं होता है। अगर आपका टमी बड़ा हुआ है या फिर टमी फैट है, स्ट्रेच मार्क्स है, डिलीवरी या फिर बम्प है, आपका बेबी बम्प है, तो आपको वो छिपाना नहीं चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ तो आपको ना उसे ना छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जितनी आप कोशिश करोगे उतना वो विजिबल होता है, क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल नहीं लगते हो, आप ऐसे से छुपाते रहते हो तो लोगों की नज़र ना उस पर ही जाती हो, आप क्या कर रहे हो उस पर ही जाती है, तो आप वो वाली एक्टिविटी मत करो, आप उसे छुपाने की कोशिश मत करो, जैसे आप पहन रहे हो वैसे ही जाओ, उसमें आप अनकम्फर्टेबल मत रहो, आप कम्फर्टेबल रहो, कम्फर्टेबल मतलब जो भी वर्क होता है वो करो, तो वो आपका टमी जो होता है ना वो बहुत अच्छे से छिप जाता है, हाईलाइट नहीं होता है, आप जितना छिपाने की कोशिश करो उतना वो विजिबल होता है, तो वो तो बिल्कुल भी मत करो। और जो भी आपकी बॉडी है, जो भी आपका टमी है, आपका डिलीवरी बम्प है या फिर आप सॉरी बेबी बम्प है आपका, डिलीवरी जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं या फिर नॉर्मल स्ट्रेच मार्क होते हैं, या फिर अगर आपका बेली फैट भी है तो वो नॉर्मल होता है गाइस, मेरा भी है, सबका होता है गाइस, तो वो ना नॉर्मल होता है, तो प्लीज़ उससे हिचकिचाना मत, कम मत लिखना, हम किसी से कम नहीं होते हैं, जो भी हम हैं वो हमारे ऊपर से है, हमारे दम पे है, तो हम खाते हैं इसलिए दिखते हैं यार, तो प्लीज़ गाइस उसे इग्नोर कीजिए, लोगों के ताने होते हैं वो भी इग्नोर कीजिए, और जैसे है वैसे ही मस्त दिखिए। सच बताऊँ जो भी साड़ी होती है ना वो किसी भी बॉडी टाइप के ऊपर बहुत अच्छी दिखती है, लंबे हो, मोटे हो, पतले हो, शॉर्ट हो, या फिर कुछ भी बॉडी टाइप हो आपका, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ भी हो, आपके ऊपर सारी ऐसी चीज़ें जो सभी बॉडी टाइप के ऊपर बहुत अच्छी दिखती है, तो मेक श्योर आप साड़ी बेझिझक पहन सकते हैं और स्मार्ट, अट्रैक्टिव, एलिगेंट रख सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वाला जो मेरा वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर मुझे कॉमेंट जरूर बताना, और मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।